हेलो फ्रेंड्स, मैं प्योर अर्शद और आप देख रहे हैं एचपी व्लॉग। तो कैसे हैं बाबा लोग? गाइस, ये रहा अपना अतुल। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब हम जा रहे हैं गुच्चू पानी रोबर केव। तो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है। चलिए तो चलते, मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ के नजारे। तो वैसे ये हिडन प्लेस में नहीं आने का, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं, जाते रहते हैं। तो हम भी दिखाते हैं आपको वहाँ के नजारे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर बारिश आ रही है। देख सकते हैं आप, अभी भी हम पूरे भीगे हुए हैं। तो इस टाइम वहाँ पे पानी की लेवल बहुत ही तेज आ रही होगी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, मेरे एक दो से पता लगा है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ के नजारे। चलिए तो चलते हैं, अब आएगा मजा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलिए तो गाइस चलते हैं गुच्चू पानी। तो गाइस, बुरी हालत हो चुकी है हमें सारे रास्ते। जो आपने पहला व्लॉग देखा होगा, तो हम गए थे झारी पानी वाटर। तो वो व्लॉग आपने ना देखा हो तो मैं आई बटन में देखिए उसका लिंक डाल दूंगा, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आते हुए बारिश ही बारिश, तो पूरी हम भीग चुके हैं। फिर हमने कपड़े भी चेंज नहीं करे, इसलिए यहाँ पे तो धूप निकल दिया, क्योंकि देहरादून आ चुके हैं हम। यहाँ का टेम्परेचर फिर भी ऊपर से बहुत नॉर्मल रहता है, मतलब 10-11 का टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है यहाँ और ऊपर में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा गुच्चू पानी के नज़ारे। तो वैसे ये टूरिस्ट प्लेस है, तो हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी हिडन प्लेसेस की देहरादून में। तो वो सीरीज देखने के लिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। भैया गुच्चू पानी यहाँ से स्ट्रेट चलिए 2 किलोमीटर आगे, जहाँ पे चार्जर टेका होगा उसके आसपास का कोई भी बता देगा। तो गाइज, यहाँ पे हमने जिससे भी रास्ता पूछ रहे थे वो बता रहे हैं कि इस साइड सीधा चले जाओ, दारू का ठेका मिलेगा, तो उससे राइट साइड जाना है मॉडल शॉप से। देख सकते हैं आप, काफी पब्लिक जा रही है वहाँ पे, तो इसका मतलब काफी क्राउड मिलने वाला है हमें वहाँ पे। भैया गुच्चू पानी। तो देखिए गाइस, ये रहा गुच्चू पानी का रास्ता। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो चेक पोस्ट बना रखी थी, पुलिस वाले खड़े थे, तो आई थिंक यहाँ पे कार नहीं जाने देते होंगे टूरिस्ट की, ये तो लोकल की खड़ी है। तो बाइक के यही फायदे हैं, कहीं भी ले जाओ, काफ़ी नीचे उतरना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं फिर हम नीचे उतरने लगे हैं पहाड़ी के। वो व्यू तो अच्छे हो ही जाते हैं ऐसी जगह आते ही। तो मैं गलत कह रहा था आई थिंक, क्योंकि देखिए टूरिस्ट की भी कार यहाँ पे काफ़ी दिख रही हैं। तो आने देते हैं कार भी नीचे, आप कार से भी आओगे तो आ सकते हो नीचे तक। देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी भीड़ है। तो गाइस, अभी एक कार वाले भैया हमें कह रहे थे कि वापस आ जाओ, तो आई थिंक कुछ बारिश की वजह से मना कर रहे हो। कुछ नहीं है, टिकट लेकर बस ऐसे ही अंदर जाओ, अंदर जहाँ पानी है वहाँ जाने दे रहे, परेशान। तो गाइस, वैसे हमें सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर बस टिकट लेके अंदर जाओ, और अंदर भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि बारिश आ रही थी, तो प्रेशर काफ़ी आ रहा होगा, पानी आ रहा होगा। बट चलिए देखते हैं थोड़ा टिकट वगैरह का सीन, हम भी जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और आगे चल लेते हैं।
अच्छा गाइस देखिए यहाँ पे काफ़ी स्विमिंग पूल भी दिख रहे हैं मुझे, स्टे वगैरह का पता नहीं यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पार्किंग वगैरह भी है कार की, पास की एंट्री है भैया अंदर जाने के लिए। और ये पार्किंग तो गाइस यहाँ पे 20 रुपये की पर्ची काट दी हमारी पार्किंग के लिए, कह रहे कि पार्किंग वहीं पे है और अंदर जाने के लिए 50 रुपये लगेंगे, पर गुफा में जाने नहीं दे रहे, सिर्फ देखने दे रहे। देख सकते हैं गाइस, ओह माय गॉड कितनी भीड़। तो ये गाइस देख यहाँ का मेन गेट, तो 50 रुपये का टिकट कटेगा जो हमें बताया अभी पीछे। चलते हैं देखते हैं फिर सीन। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा भीड़ है, तो सब लाइन लगी हुई है। तो और यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि, तो यहाँ पे लिखा हुआ है और सब बता भी रहे हैं कि अंदर पानी में नहीं जाने दिया जाएगा, बस बाहर से ही देख सकते हैं केव को। तो हम सोच रहे हैं अब क्या करें, कि सब ये टिकट काउंटर पे खड़े हैं, जो टिकट वाले भैया है वो आराम से बैठ के गाने सुन रहे, टिकट भी नहीं दे रहे किसी को, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। गाइस देखते हैं अब शायद टिकट काउंटर पे टिकट मिल रहे हैं। तो अभी अतुल लेने गया है और हमारा सामान सारा यहीं रखा है अपनी लाल परी पे, तो देखते हैं क्या रहता है, अंदर जा पाएंगे या नहीं। तो गाइज अतुल टिकट लेके आ चुका है, तो ये 35 रुपये का एक टिकट है। चलिए तो चलते अंदर। तो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं गुच्चू पानी, तो अभी हम ट्राइपॉड भूल गए थे, तो कपिल लेने गया है अतुल। ये अतुल आ चुका है ट्राइपॉड लेके। देखिए हम यहाँ पे गुच्चू पानी में आ चुके हैं, तो जो केव है वो उस साइड है, तो उस साइड जाने नहीं दे रहे किसी को भी, यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं तो किसी को भी नहीं जाने दे रहे, पर इस साइड थोड़ा सा घूमने दे रहे हैं। तो वहां तक हम घूम के आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है, बट हम ट्राई करेंगे अंदर जाने की थोड़ा सा।
देखिए गाइस, जो थोड़े बहुत लोग आगे जा चुके तो पुलिस वाले अंकल उन्हें सबको वापस बुला रहे हैं, तो केव में किसी को भी नहीं जाने दे रहे। एक दो सेकंड का शॉट लेना और कुछ नहीं करना, चाहे आप भी साथ चल लो। जब हम वापस आ रहे हैं तो हमने बहुत ट्राई करने की कोशिश करी, उन्हें मनाने की कोशिश करी कि अंकल जाने तो थोड़ी सी अंदर, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो वो कह रहे थे कि अगर एक को भेज देंगे तो फिर तो सब कहेंगे कि हमें भी जाने दो, हमें भी जाने दो। तो बस हम वापस चल रहे हैं अभी, और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे पीछे जो था आते टाइम दिखाया था मैंने, यहाँ खाने पीने का सब कुछ है तो खाने पीने का भी मिल जाता है। और हमने पूछा भी इनसे कि अंकल क्यों नहीं जाने दे रहे, एक तो थोड़ा ये बारिश की वजह से कह रहे हैं क्योंकि बारिश आ रही है तो भर के पानी आ रहा है, पर यहाँ पे तो लेवल है नहीं, पर अंदर जो मतलब केव है तो उसमें बहुत ऊपर तक पानी आ जाता है अगर लोग बाग ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। और दूसरा कुछ ऋषिकेश का वो बता रहे थे, कुछ हादसा हुआ था, कोई बह गए थे तो उस वजह से भी सारी जगह बंद कर रखा है ऐसी, जहाँ पे भी वाटरफॉल रहते हैं इस टाइप के। और देखिए यहाँ पे आपको बच्चों के झूले वूले मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी कैंटीन टाइप की है, खा पी भी सकते हैं आप, रेस्टोरेंट जहाँ पे हम थे तो वो वहाँ से सारा ऐसे आ जाता है इस साइड। तो गाइज इस व्लॉग में यही था, थोड़ा छोटा व्लॉग है मैं मानता हूँ, क्योंकि हम सोच रहे थे केव में अंदर जाएंगे काफी मजा आता, तो चलो कोई नहीं नेक्स्ट प्लेस चलते हैं। नेक्स्ट प्लेस बहुत ज्यादा हिडन प्लेस है तो वहाँ पे कोई नहीं जाता, तो वो 100% खुली हुई मिलेगी, ये तो सब जानते हैं। गुच्ची पानी तो इसलिए यहाँ पे क्राउड ज्यादा आता है, इसलिए सबका रखा है। तो चलिए ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, ओके बाय बाय।